आज हम बनाएंगे चिकन तरी वाला, वही घरेलू चिकन रेसिपी जिसे हम बनाते हैं प्रेशर कुकर में, पर इसे डिलीशियस बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। प्रेशर कुकर में चिकन बनाने का ये फ़ायदा है, ये बहुत जल्दी बनता है और चिकन मक्खन की तरह सॉफ्ट बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल बनाते हैं चिकन तरी वाला। प्रेशर कुकर चिकन या चिकन तरी वाला बनाने के लिए आपको लेना है 1 किलो विद बोन चिकन। चिकन के सभी बड़े पीसेस में आपको इस तरह से कट लगा लेने हैं। चिकन के लेग पीसेस में आपको 3 कट लगा लेने हैं ताकि मिर्च मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ सके। तो सबसे पहला स्टेप इसे मैरिनेशन का है, तो इसे मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 दही। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1/2 घंटे के लिए ढक कर चिकन को अलग रख दीजिए। जब तक चिकन मैरिनेट होता है, इसी दौरान हम चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए आप लें 1 बड़े प्रेशर कुकर में 4 से 5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें ऐड करें 2 से 3 तेज़पत्ता, 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड लहसुन। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लें। गार्लिक के पक जाने के बाद इसमें ऐड करिए 8 से 10 फाइनली चॉप मीडियम साइज के अनियन और इसे हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए कुक करिए। देखिए आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करिए 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी अच्छे से पका लें ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। गाइज, आगे बढ़ने से पहले सभी मसालों को चेक कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पके होने चाहिए। अब जितना अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को पका लेते हैं, उनका कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं, आपका चिकन उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मसालों के पक जाने के बाद इसमें ऐड करिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए सौटे कर लें। फिर इसमें ऐड करिए 6 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। टमाटर को अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लें और एक बार बॉईल होने पर इसमें ऐड करें 1/2 चम्मच नमक। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी कुक होंगे। अब तड़के को मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक करें जब तक तड़के में से तेल ना अलग हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब तड़के में से काफ़ी छींटे आएंगी तो आप इसे ढक कर कुक करें। आज से 10 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। देखिए तड़के में से भी तेल अलग हो गया है। अब इसमें ऐड करिए थोड़े से फाइनली चॉप्ड हरे धनिए के डंठल। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ऐड करिए मैरिनेटेड चिकन। इसे तड़के के संग अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें ऐड करिए थोड़ा सा पानी। आपने जिस बोल में चिकन को मैरिनेट किया था उसी बोल में थोड़ा सा पानी डालकर वही पानी आप चिकन के साथ ऐड कर लीजिए। अब आपने चिकन को तड़के के साथ हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है जब तक ग्रेवी में से तेल ना अलग हो जाए। और हर 2 से 3 मिनट के बाद चिकन को चलाते रहना है ताकि मसाला और चिकन पैन से लग ना जाए। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड करें 2 से 3 बोल गरम पानी। गाइस, ग्रेवी में हमेशा गरम पानी का ही यूज़ करें क्योंकि ठंडा पानी ऐड करने से चिकन टूट जाता है। गाइस, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि हम चिकन तरी वाला कुक कर रहे हैं तो इस रेसिपी में ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी। अब आप कुकर को कवर कर दें और चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने दें। गाइस, 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए, कुकर का प्रेशर चेक करिए और कुकर खोल दीजिए।
देखिए चिकन कितना अच्छे से कुक हुआ है, बोन से फ्लैश अलग हो चुकी है, लेग पीस सबसे बड़ा पीस होता है, देखिए ये भी कितने अच्छे से कुक हो चुका है और छोटे पीसेस भी बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे पीसेस ग्रेवी में ही घुल गए हैं। अब ग्रेवी को चेक करिए, ग्रेवी भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, इसमें से तेल अलग हो चुका है। अब आप इस चिकन को गार्निश करिए फ्रेश हरे धनिए के साथ। ऐड कीजिए 2 इंच पतला कटा हुआ अदरक और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसी के साथ चिकन तरी वाला सर्व करने के लिए तैयार है। गाइस, चिकन तरी वाला एक बहुत ही क्विक और डिलीशियस रेसिपी है। इसमें चिकन बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट कुक होता है। आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।